उसका लाभ
लगातार शुक्र है कि उसने हमारे दिलों का मोहम्मद धड़कनों का आली सीनों का हुसैन और बाजुओं पर अब्बास लिख दिया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हम जैसे बेहैसियत लोगों को फर्श अज़ा पर बुला के रसूलों के पहलू में बैठने का शरफ अदा फरमाया। उसका लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी किताब जिंदगी के सफात को या अहले बैत की खुशियों से इबारत किया या अहले बैत के गमों से इबारत किया। यही वजह है कि 14 सदियों का सफर तय करने के बाद भी ये कौम न बेरा हुई न गुमराह हुई। वजह यह है कि बेराही और गुमराही दो सूरतों में पैदा होती है, या बेपनाह खुशी मिल जाए तो इंसान गुमराह हो जाता है, या गैर मामूली गम मिल जाए तो इंसान गुमराह हो जाता है। ऐसा भी ना हुआ कि हमें खुशियां न मिली हो और ऐसा भी ना हुआ कि हमें गम न मिले हो, मगर जब जब दुनिया से मिलने वाली खुशियों ने हमसे हमारा ईमान छीनना चाहा तो मोहब्बत अहले बैत की खुशी ने सहारा दे दिया, और जब जब दुनिया से मिलने वाले गमों ने हमसे हमारा ईमान छीनना चाहा तो गमे करबला ने फर्क बाजुओं को थाम लिया। इस तरह हम सिरात इत्तेदाल को महक सफर रहे, न कल गुमराह थे न आज गुमराह है न कल गुमराह होंगे। इसलिए भी कि गुमराही उन लोगों का मुकद्दर है जो लावारिस हो, और जिसका वारिस मालिक पर गैब में मौजूद हो। तहारत कुरान है वही तहारत अहले बैत है। इसका
मतलब यह है कि जो कुरान है वही अहले बैत है और जो अहले बैत है वही कुरान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर है तो बस इतना था कि एक खामोश है एक बोलता हुआ है। सलाम भेजे तो जरा गौर फरमाइए, अगर कोई अहले बैत का मुनकिर हो
हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगी। तवज्जो फरमाइएगा, देखिए ये कायनात अल्लाह ने बनाई, ये दुनिया अल्लाह ने बनाई, तो जो दुनिया अल्लाह ने बनाई है क्या उसे ये गवारा होगा कि कोई भी आए इसे मिटा दे, कोई भी आए इसे फना के घाट उतार दे, कोई भी आए इसे तबाह कर दे, कोई भी आए इसे बर्बाद कर दे, का नहीं, क्यों? का इसलिए कि ये खिलाफ कानून है कि बनाए कोई मिटाए कोई बसाए कोई उजाड़े कोई, ये उसकी अपनी मर्जी है। जब तक चाहे कायनात को रखे, जब चाहे अल्लाह का मोहब्बत से क्या काम है, वो किसकी मोहब्बत
Thank you.
ही रहेंगे, हम सूरज कैसे बनाए मगर मोहब्बत तो हमें भी है, हम सितारे कैसे बनाए मगर मोहब्बत तो हमें भी है। तो परवरदिगार तेरे हुक्म की बुनियाद पर के कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मुवत्तता फिल कुर्बा, हमने इनसे मोहब्बत की लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक हमने भी दलील मोहब्बत पेश की। तवज्जो जा रहा हूं, तुमने इन्हें चाहो तो सूरज रोशन कर दिया, हमने इनसे मोहब्बत की तो अजा खानों में चढ़ाओ जला दिए। जरा बोलिए मैं क्या कह रहा हूं, ये दास्तान यही है, तुमने इन्हें चाहो तो सितारों की जगमग पैदा, चार किसलिए कि चर चर चार को देखो दो टुकड़े
شبیہ ہے کہ جو کبھی رسول خدا نے حمزہ کو دیا, کبھی جعفر طیار کو دیا, کبھی حیدر طیار کو دیا, لیکن کیا کہوں عظمت عباس, ہائے حمزہ بھی آرامدار, لیکن منصب بدلا حمزہ کے بعد جعفر طیار, جعفر طیار بھی آرامدار مگر منصب بدلا بعد میں حیدر طیار, منصب داری بدلتی رہی لیکن جانے کیسا منصب دار ہے عباس کہ قلب وہی آرامدار تھا. پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا تھا, انی تارکن فیکم
गुस्सा आ जाए। तुम्हारे दरमियान दो गरावत चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक किताब खुदा और एक अपने। जब तक इन दोनों से जुड़े रहोगे उस वक्त तक गुमराह तो जा रहा। अब अल्लाह को ये गवारा नहीं कि उसकी कायनात बर्बाद हो जाए जब तक कि वो न चाहे। वो खुद इसे बना के खा दिखा देगा किसी और को। अब ये दुनिया बाकी कैसे है, इसीलिए उसने कौमें बनाई, कबीले बनाए, खानवादे बनाए, नस्लें बनाई और इन सबको मोहब्बत के धागे में बांध दिया। ऐसे पिरोया जैसे तस्बीह के दाने पिरोए जाते हैं, कहीं मोहब्बत की जंजीर में जगह हो ताकि ये इंसान रहे हैवान न हो, रहम दिल हो खूंखार ना हो, मोहब्बत की जंजीर में ये बात हो ताकि एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक रहे। और अगर इस मोहब्बत के दायरे से इंसान निकल जाता है तो फिर मुसलमान क्या वो इंसान नहीं रह जाता है, फिर उसका काम होता है गोदियां उजाड़ना, उसका काम होता है मजलूमों का खून बहाना, उसका काम होता है अमन सुकून छीन लेना। लिहाजा अल्लाह ने चाहा कि मोहब्बत के जरिए ये कारवां है हयात, ये कारवां है हस्ती रमा दमा रहे। नौजवान अब यहाँ आपके लिए अर्ज कर रहा हूँ, कारवां ने हस्ती रमा दमा, उसने कौमें बनाई, कबीले बनाए, उनमें खानवादे, खानदानों में भी कोई बुजुर्ग खानदान होता है जिसकी बात पूरा खानदान तस्लीम करता है। लेकिन अब तो हालात तब्दील हो गए हैं, अब तो घर घर में कोई ना कोई मालिक जरूर होता है, सरबरा जरूर होता है। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी तरफ देखिएगा, पल के नजर पड़ने पाए खुदा हुसैन का वास्ता करा में पैगंबर बुलाता पता दिए जी रहे थे, मेहनत करते थे, मशक्कत करते थे, पैसे कमाते थे, मगर ये कि जिंदगी का कोई मरकज न था। लेकिन इधर खुदा ने नस्ल कायम की, इधर औलाद आई, जैसे ही बच्चे को देखा अब एक जिंदगी का मकसद मुअय्यन हो गया। मेहनत पहले भी करते थे मगर किसके लिए खबर नहीं, मशक्कत पहले भी करते थे मगर किसके लिए पता नहीं। लेकिन अब जैसे ही औलाद को देखा अब बिल्कुल यही औलाद मरकज़े जिंदगी है, मेहनत करेंगे मगर किसके लिए, मशक्कत करेंगे मगर किसके लिए, पैसे कमाएंगे मगर किसके लिए, अच्छा पड़ोस ढूंढेंगे मगर किसके लिए, अच्छा मकान बनाएंगे मगर किसके लिए, अच्छा स्कूल तलाश करेंगे मगर किसके लिए। इसका मतलब यह है कि हर शख्स यही चाहता है कि वो इस तरह से बच्चों के लिए इंतजाम करके जाए दुनिया से कि उसके बाद बच्चे दरबदर ना हो, उसके बाद बच्चे जाहिल न रह जाए, उसके बाद बच्चे गुमराह न हो, उसके बाद बच्चे दरदर की ठोकरे न खाए। मैं आलम इस्लाम से पूछता हूं, हम जैसे बेहिस लोग दुनिया से जाने से पहले औलाद के लिए इतना सोचे वो नबी रहमत लिल आलमीन है क्या उम्मत के लिए सोचे बिना चला बगैर उम्मत के बारे में सोचे हुए दुनिया से चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
इसका मतलब नबी ने सोचा, जो आका के चाहने वाले बाहर खड़े हुए हैं वो भी गौर से सुनेंगे, बात आखिरी मरहलों में सोचा, तो सोचा इसकी दलील क्या है। यही हदीस सकलैन इस बात की दलील है, जब पैगंबर ने उम्मत के बारे में सोचा। बोला था ये बात गुजारिश कर रहा हूं, यह हदीस सकलैन इस बात की दलील है कि पैगंबर ने उम्मत के बारे में फरमाते दो चीजें छोड़ दिया, क्या कुरान रहने पर तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूं कुरान, कुरान की जगह ये दुनिया नहीं है, कुरान का मकान है असली इल्म खुदा, मकान है सारी लौह महफूज, मकान है सारी लबे जिब्राईल, मकान है रावे अरब ¡Gracias!
تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میرے نانا کا دعویٰ صحیح ہے. قرآن میرے خدا بچوں سنری دعاؤں کی خاص گاری کے ساتھ دستے ادب جو میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں کے لیے نہیں پہنچا. اتنی بڑی میری حیثیت نہیں ہے کہ میں اپنے بزرگوں کے لیے پڑھوں, ان سے سیکھتا ہوں. آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اپنے عقائد کو سمجھیے. یاد رکھیے گا تلاوت کرتی ہے امت بھی اور تلاوت کی حسین نے بھی, مگر دونوں تلاوتوں میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ ارے جو اپنے کو بچانے کے لیے قرآن پڑھے اسے امت کہتے ہیں, جو قرآن کو بچانے کے لیے قرآن پڑھے اسے حسین. اس سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا. امت قرآن پڑھتی ہے تو امت بچتی ہے, حسین قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن بچتا ہے. امت قرآن پڑھتی ہے تو امت پہچانی جاتی ہے, حسین قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پہچانا جاتا ہے. امت قرآن پڑھتی ہے تو امت کا مسلمان ہونا ثابت ہوتا ہے, حسین قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کا کلام اللہ ہونا ثابت ہوتا ہے. حسین کی تلاوت میں قرآن مجید کو تحفظ بھی دیا, تعارف بھی دیا. تو نیزے پر قرآن پڑھو گے میرے مولا, کہاں قرآن پڑھوں گا حضرت؟ تو یہ بھی بتا دو کہاں کہاں پڑھو گے حسین؟ آواز دی جہاں جہاں بھیڑ زیادہ ہوگی وہاں وہاں قرآن ضرور پڑھوں گا. کیوں میرے مولا؟ کہتا کہ تماشائیوں کی نگاہیں میرے پتے سے کی طرف ہو, میری بے پرواہ میرے نام ہے میں. اللہ اکبر, آپ تو بہت لیتے ہیں, آپ تو بہت تڑپتے ہیں. آواز دی اس لیے نیزے سے قرآن پڑھوں گا تاکہ تماشائیوں کی بھیڑ کٹے سر کو تلاوت کرتا دیکھ کے میری جان مائل ہو جائے کہ میری سر پر میری عمر کو سر عمر بلائے, میرے سینے پر سینے والی سکون ہے. اجرکم اللہ, ایک زن مومنہ کے 40 دن کی وجہ سے پوری بستی اکٹھا ہو گئی, لے جانا پڑ جائے تو ایک بات پوچھوں. مرحوما کا جنازہ کتنے لوگ آئے تھے اٹھانے؟ قصاب جس نے بھی خبر سنی وہ آ گیا. کیوں؟ کنی اس دین اپنی شہزادی کی, اللہ اکبر, ایک کنیز کا جنازہ اٹھانے کے لیے اتنی بھی آئے سکینہ کا جنازہ؟ زندان میں کیسے رہ بنا, کیسے محل بنا؟ میں نے کتابوں میں پڑھا اور
साल फट गए। अभी आप सोच पानी कर रहे हो खुदा क्या होगा, बीबी के साथ तो मैं सोचता था कि नुकसान कैसे पड़े, लेकिन जैसे जैसे शऊर बेदार होता है बातें समझ में आती है। देखिए तमाचा दुश्मनी की बुनियाद पर होता है, जिससे जितनी दुश्मनी होती है उसे उतना तेज तमाचा मारा जाता है। जब शिव
اللہ نے وعدہ کیا فوراً شیری نے پلٹ کے کہا مولا ایک وعدہ اور کرو. حضرت کا شیری مر گیا کا وعدہ کرو اکیلے نہیں آنے کب آؤ گے مولا. دن چلتا ہے شام ہوتی ہے پلٹ
آتی ہے مایوس ہو کے نمازیں دعائیں. ایک دن کوفے کی عورتوں کو پتا چلا کہ شیری دن بھر دھوپ میں بیٹھی رہتی ہے. عورتیں آئی کہنے لگی شیری تجھے کیا ہوا ہے, اتنا اچھا محل بنوایا, وہاں رہنا چاہیے, دھوپ میں کیوں بیٹھی رہتی ہے. شیری نے تڑپ کے کچھ تو منصف لوگ کا بتائے گی کا انتظار کرتی ہوں. کا کس کا انتظار ہے؟ کا اپنے آقا کا انتظار. عورتوں نے کہا شیری کہیں ایسا بھی ہوا ہے آقا کنیزوں کے گھر آئے؟ شیری نے کہا میرا آقا وہ آقا نہیں ہے, دیکھ لینا آئے گا ضرور میرا آقا, میری لاش ضرور رکھے گا. کہ ایک دن خبرگیروں نے اطلاع دی کہ حسین نے رسول اللہ کا شہر چھوڑ دیا, مدینہ چھوڑ دیا. شیری نے عورتوں سے کہا دیکھا تم نے, میں کہتی نہ تھی میرا مولا آئے گا ضرور, چل چکے ہیں مدینے سے. پھر خبر ملی مکے چلے گئے, عورتوں نے کہا اب کیا ہوا؟ شیری نے کہا میرے مولا نے سوچا ہوگا موسم حج قریب ہے, چلو پہلے حج کر لیں پھر شیری سے ملنے چلیں گے. میں اس تمام میں دو سے ڈھائی منٹ میں کاش میں پڑھ لیتا ہوں, دیکھنا حج کے بعد فوراً میرا مولا مجھ سے ملنے والے, مجھے اپنے مولا کے وعدے پر اعتبار ہے. دیجیے پھر خبر ملی کہ حج کو عمرے سے بدل دیا, کوفے آ رہے ہیں. اب تو شیری کی خوشی کا ٹھکانا نہ رہا, کوفے کی ایک ایک عورت کو پکڑ کے کہہ رہی ہے کیا ہے. وہ دیکھو خاک پہ بیٹھی ہے,
कलेजा फट गया उसका। कहने लगे कैदियों परेशान ना हो, हम कोशिश करते हैं आज की रात तुम्हें अपने घर में ले चले, तो जितनी देर हमारे घर में रहोगी कोई तुम्हें ताजिया नहीं मारेगा। ये कहकर उसने सिपाहियों से कहा अगर कहो तो मैं कैदियों को घर में ले जाऊं। सिपाहियों ने कहा ले जाओ। लीजिए बीवियों को शीरी के साथ लिया जो गुजरा बीवी सर के लिए सजाया था, उसी उजरे में ला के बिठाया। फिर गौर से एक एक बीवी को देख के कहने लगी तुम्हारी हालतें बताती हैं, तुम्हें न खाना दिया जाता है न पानी दिया जाता है। ठहरो मैं पहले पानी लाती हूँ, पानी पी के दुआ कर देना। बीवी ने कहा कैसी दुआ, क्या इतनी दुआ कर देना, जिनका मैं इंतजार कर रही हूँ वो खैरियत से मेरे घर आना। मैंने रसूल अल्लाह से सुना है कबूल होती है। बीबी कुबरा ने कहा तेरी बातों से लगता है तेरा दिल नरम है, तू रहम दिल है। तो एक गुजारिश करना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हो बताओ। कहना ये चाहते हैं हाय हुसैन कि जैसे तूने ये एहसान किया कि अपने घर में लेके आए, इसलिए कि हमें तो कोई पहचानता भी नहीं है। एक एहसान और कर दे कबो क्या, कबो एहसान ये कर के मेरे शहीदों के सर ला दे। जब से मेरे अजीजों को मारा गया और मुझे रोने न दिया गया, मैं तुझसे वादा करती हूँ चुपके चुपके रोऊंगी, चिल्ला के न रोऊंगी। शीरी ने कहा बीवी घर मेरा है, रोने पर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे चाहो रे मैं भी सर लेके आऊं। ये कह के गई सिपाहियों से कहा अगर हो सके तो ये सर भी दे दो। सिपाहियों ने कहा रात भर कौन रखवाली करेगा, बेहतर है इसी को दे दो, ये लेती जाए सुबह को ले लेंगे। उसने कटे हुए सर लिए लेके आई खाट पर बैठी बीबियां, कटे में सर सामने रख के कहा ये लो मैं सर ले आई, जैसे जी चाहे रे मैं पानी लेके आती हूँ। ये कह के बोली पीछे से काले में आवाज आई हाय मैं अम्मा जाया हम सर, हाय मैं अम्मा जाया हम सर।
القلبين.